तो हेलो दोस्तों, सबसे स्वागत हो गए एक और नए वीडियो में। आ चुके हैं हम दोबारा से एक और नए वीडियो के साथ। तो बहुत दिनों बाद आ रही है हमारी दोबारा से एक और नई वीडियो। तो लेट्स गो, आज की वीडियो में आपको एक मोड देने वाला हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड माइंड का पॉक एडिशन वालों के लिए, मोबाइल वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और बैटॉक एडिशन वालों के लिए। तो आज के वीडियो में आपको मोड देने वाला हूँ, उसका नाम है कि ब्रूइंग गाइड एड ऑन या फिर UI, जो कुछ भी तुम बोल सकते हो। जो माइंड का पोर्शंस होते हैं वो हम जावा एडिशन में हमें क्या बोलते हो सजेशन मिल जाते हैं कि कैसे उसको बनाना है। और जावा एडिशन जो खेलते हैं उनको प्रॉबेबली आता ही है सब कुछ, क्योंकि पोर्शन सारे जो मेन में रहते हैं बहुत टाइम से खेलते हैं तो उनको याद रह जाता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं उसको बनाने के लिए। एंड नए पॉक एडिशन में हमें खुद जाके देखना पड़ता है फिर। और वैसे ही पॉक एडिशन में ज़्यादा किसी को कुछ याद नहीं रहता है पोर्शन बनाने का, तो बार बार हमें देखने जाना पड़ता है बाहर इंटरनेट पर या फिर ढूंढना पड़ता है। तो लेट्स गो, वही आपकी समस्या आज हम दूर करने वाला है। तो नॉर्मली जब तुम ब्रूइंग स्टैंड खोलोगे तो तुम्हें उसमें ही अंदर से उसका अलग से एक UI मिल जाएगा जो पोशंस बनाने के लिए तुम्हें काम आएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ को। आज बताऊंगा मैं वही बोल आपको इस वीडियो में। तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ का। एंड वीडियो की तरफ का उड़ने से पहले भाई चैनल पर जो भी नहीं प्लीज यार सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, हो सके तो उसका शेयर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल करना भूलना। एंड जल्दी से जल्दी जितना बने उतना वॉच टाइम कंप्लीट कराओ। मेरे कितने कुछ 85 आवर्स बाकी है चैनल मॉनिटाइज होने में। तो लेट्स गो, जल्दी से जल्दी कर दो यार कंप्लीट। एंड जितना बने उतना वीडियो को एंड तक देखना ताकि जल्दी से जल्दी वॉच टाइम मिले एंड मॉनिटाइज हो चैनल। एंड लेट्स गो, मॉनिटाइज होने की मैं राह देख रहा हूँ इसीलिए मैं वीडियो नहीं आ रहे मेरे 10-10 दिन में एक बार वीडियो आ रहा है, क्योंकि मुझे पहले चैनल को मॉनिटाइज करना है, फिर उसके बाद में तुम्हें थोड़ा प्रीमियम कंटेंट दूंगा, अच्छा कंटेंट चैनल पे ऊपर। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, पागल रखा हूँ आज पता नहीं। तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो नॉर्मली जब तुम इस मॉड को एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के बाद तुम अगर सर्वर में हो तो तुम्हें एक ब्रूइंग स्टैंड बनाना पड़ेगा या फिर तुम्हें कहीं से लाना पड़ेगा, तो उसको ले लो। उसको लेने के बाद जैसे ही क्राफ्टिंग टेबल का होता है वैसे ही इसमें दिखेगा। इसको रखने के बाद अगर तुम इसको खोलोगे तो उसमें तुम्हें देखो साइड में उसकी गाइड मिल जाएगी। ये मिले पोशंस, फिर स्प्लैस पोशंस, फिर आते हैं लिंगरिंग पोशंस। तो लिंगरिंग पोशंस को तुम्हें बनाने के लिए सिर्फ उसके लिए ग्लोस्टोन चाहिए रहता है, यस। फिर रेडस्टोन जरूरी है भाई, ये क्या चीज़ है, रेडस्टोन के लिए भी ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें भाई। और स्प्लैश पोशन तो नॉर्मली बन जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लिंगरिंग के लिए ड्रैगन्स ब्रेथ चाहिए बे, मैं पागल हो रखा हूँ। फिर आता है ग्लोस्टोन डस्ट, उससे बनता है क्या ये स्प्लैश पोशन बनता है, यस ये भी ठीक है। फिर रेडस्टोन बढ़िया है भाई। एंड नॉर्मल पोशन तो तुम्हें आता ही कैसे बनाना है, तो देख सकते हो स्लैश बॉटल, फिर लिंगरिंग वाटर बॉटल, फिर ये सब कुछ ठीक पोशंस। फिर देखो अब पोशंस बनना चालू हो गए सारे, पोशंस ऑफ वीकनेस, फिर क्या है ऑकवर्ड पोशंस, पोशन स्विफ्टनेस। फिर तुम्हें 8 मिनट का और 6 मिनट का और 2 मिनट का सारी चीज़ें उसमें तुम्हें गाइड दे रखी है। देखो ये 4 मिनट का है, फिर ये 20 सेकंड का है, तो सारी चीज़ें तुम्हें गाइड कर रखी है। एंड जितने भी पोशंस हैं हमारे माइंड कैप में सारे के सारे इसमें दे रखे, और उनके स्प्लैश पोशंस भी दे रखे और लिंगरिंग पोशंस भी दे रखे। तो नॉर्मली तुम कोई सा भी चूज़ कर लो, तुम्हें जो कुछ भी बनाना है सामान ले लेना सारा और तुम जाके खुद बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी ना बताऊँगा तुम्हें बना के। तो लेट्स गो, वैसे भी पोशंस से मुझे बहुत कंटाला आता है भाई, क्योंकि बहुत ही लेजी काम है भाई वो, कितना कुछ याद रखो, ये लाओ वो लाओ, उससे अच्छा बहन के किसी से मांग लो या फिर ट्रेड कर लो विलेजर से। तो लेट्स गो, बस यही था आज के वीडियो के अंदर मॉड के अंदर। तो मॉड अच्छा रहो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके दोस्तों शेयर कर देना। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा भाई, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बर्डन कम हो गया, क्योंकि मुझे पोशंस याद ही नहीं रहते बनाना, बार बार मुझे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ता है कैसे बनता है। एंड वैसे ऊपर से प्रॉब्लम भी है कि जावा एडिशन में और पॉक एडिशन में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें रहती है पोशंस की, एक दो चीज़ें, तो वही प्रॉब्लम है साला। तो कोई ना, बस यही था आज के वीडियो के अंदर मॉड के अंदर। तो लेट्स गो, चलते हैं इसके डाउनलोड पेज की तरफ को। डाउनलोड लिंक तो डिस्क्रिप्शन है, पिन कर में मिल सकती है, जाके क्लिक कर लेना, पहुँच जाओगे डाउनलोड पर। तो लेट्स गो, चलते हैं डाउनलोड पेज की तरफ को। तो लेट्स गो, हम तो डिसीजन ए पिंकर में दी गई, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे, गूगल ड्राइव पे वॉच होगा, वहाँ पे मैंने इस मॉड को अपलोड कर रखा है। वहाँ से नॉर्मली तुम्हें इसको डाउनलोड करना है, ये मॉड पैक है, मीन्स क्या बोलते हैं इसको, MC पैक है। तो उसको नॉर्मली इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाने के बाद डायरेक्ट के माइंड कैप में इंपोर्ट जाएगा अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर क्लिक करने के बाद कर लो क्रिएट न्यू वर्ल्ड, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तुम इसको अपने जो शेडर्स लगाते हो, जो बाहर का सेटिंग्स होता है उससे भी लगा सकते हो, या फिर तुम एक पर्टिकुलर अपने वर्ल्ड में लगाना चाहते हो। देख रहो ये रहा, रिसोर्स पैक में जाओगे मिल जाएगा ब्रूइंग गाइड UI 1.2 जो कुछ भी भाई उसका नाम वही है ये है। और रिसोर्स पैक में नहीं, रिसोर्स पैक में मिलेगा, बेयर पैक में नहीं मिलेगा। एंड लेट्स गो, देख सकते हो डिफॉल्ट टेक्सचर UI, फिर डीम क्या है भाई, डीम नाइट मोड और लाइट UI। तो ये सारे 3 चीज़ें उसकी,
और एक चौथा भी है, फर्स्ट वाला कौन सा है, एनिमेटेड आरजीबी, ये भी ठीक है, आरजीबी वाला है, तो देखो ये ट्राई करते हैं। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूआई है, फिर इसके लिए तो एक्सपेरिमेंटल मोड तो ऑन नहीं करना पड़ेगा। एंड कर लो क्रिएट, एंड कर लो क्रिएट वर्ल्ड, एंड जब तक क्रिएटर है प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो से लाइक कर देना, उसके शेयर कर देना, एंड बेल आइकन को अपने बुला, बहुत ही जल्दी बोल दिया मैंने, एंड लेट्स गो। यही था इस UI का नाम और जो कुछ भी था, इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट मैन का मैं तो इंपोर्ट करोगे, फिर इनको खोलने के बाद तुम्हें उसकी UI चूज़ करनी है, और तुम जो शेडर्स लगाते हो अपने माइनक्राफ्ट के लिए ऑफिशियल, उसमें भी इसको जाके लगा सकते हो तुम, जो हमारा सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है बाहर से, और तुम पर्टिकुलर वर्ल्ड में डालना चाहते हो तो वर्ल्ड में भी कर सकते हो। तो लेट्स गो, मैं सीधा तुम्हें वर्ल्ड जनरेट करके मिलता हूँ, वर्ल्ड जनरेट हो रहा है बहुत धीरे धीरे, तो लेट्स गो, उसे देखते हो वर्ल्ड में स्पॉन हो गया। वर्ल्ड में स्पॉन होने के बाद खोल लो इन्वेंटरी में से, निकाल लो ब्रूइंग स्टैंड, निकालने के बाद देखते हैं भाई इसकी UI जो RGB वाली हमने चूज़ करी है कैसी दिखती है। ओ भाई इसकी बढ़िया भाई, जोड़ मस्त है भाई RGB वाली UI, और वही सेम टू सेम चीज़ें रहेगी पोशंस के लिए, और सारी चीज़ें और सारे इंग्रेडिएंट्स बता रखे तुम्हें, वो सारे लाने पड़ेंगे, रखोगे उसके बाद ही बनेगा। एंड बता रखा है कि कौन सी चीज़ कौन सी चीज़ के बाद रखनी है, अगर तुमने पहले ये वाला पोशंस बना लिया है लिंगरिंग का नो इफेक्ट वाला, फिर रखो क्या बोलते हैं फॉर्मेंट स्पाइडर आए, उससे बन जाएगा तुम्हारा वीकनेस का 2 मिनट का, अगर तुम रेड स्टोन डालते हो तो 1 मिनट में क्या बन जाएगा, और फिर नेदर वॉट डालोगे तो उससे क्या बन जाएगा, नो इफेक्ट बन जाएगा उससे, फिर उसमें और कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो ये बनेंगे, तो सारे बहुत सारी चीज़ें एक्सपांड करके रख रखा है, तो साझे चेक करके देख लेना। तो लेट्स गो, सही था, कुछ नहीं था आज के वीडियो के अंदर, मॉड के अंदर RGB वाली UI बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, तुम वही चूज़ करना, तुम्हें अच्छी और कोई अच्छी लगती तो और कोई देख लेना। तो लेट्स गो, बस यही था आज के वीडियो के अंदर मॉड के अंदर, तो लेट्स गो, मिलते हैं तुम अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा यू, सायोनारा, एंड जाता है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करने जाना, वीडियो चलो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को भूलना मत, एंड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए वो भी कमेंट में बता देना, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। लेट्स गो, मैं मिलता हूँ तुम अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय 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 बाय।